डॉक्टर रघु शर्मा ने लिखा नितिन गडकरी को पत्र। केकड़ी विधानसभा से गुजरने वाली दो सड़कों को राष्ट्रीय उच्च मार्ग घोषित करने का किया आग्रह। कुशायता केकड़ी विधायक राजस्थान सरकार के पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को लिखा पत्र और केकड़ी विधानसभा से गुजरने वाली दो सड़कों को राष्ट्रीय उच्च मार्ग घोषित करने का आग्रह किया है। डॉक्टर रघु शर्मा ने अजमेर जिले के केकड़ी विधानसभा से गुजरने वाली राज्य राजमार्ग संख्या -12 सांगानेर जयपुर मालपुरा केकड़ी शाहपुरा मांडल भीलवाड़ा सड़क को राष्ट्रीय उच्च मार्ग घोषित करने के लिए नितिन गडकरी को पत्र लिखा है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र केकड़ी जिला अजमेर से गुजरने वाली महत्वपूर्ण सड़क सांगानेर जयपुर मालपुरा केकड़ी शाहपुरा मांडल भीलवाड़ा तक की सड़क दो राष्ट्रीय उच्च मार्गों NH11 जयपुर सांगानेर व NH48 भीलवाड़ा मांडल को जोड़ती है। इस सड़क की लंबाई लगभग 212 किलोमीटर है। उन्होंने इस सड़क को राष्ट्रीय उच्च मार्ग घोषित करवाने का आग्रह किया है। डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि इस सड़क के राष्ट्रीय उच्च मार्ग घोषित होने से जयपुर भीलवाड़ा से सीधा जुड़ जाएगा एवं इस सड़क के अंतरजिला सड़क होने से लगभग 3 जिलों के यातायात को सुगमता प्रदान होगी एवं आमजन के समय में भी काफी बचत होगी। डॉक्टर शर्मा ने अजमेर जिले के NH48 पर स्थित नसीराबाद से देवली राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 52 तक की सड़क को राष्ट्रीय उच्च मार्ग घोषित करवाने का भी आग्रह नितिन गडकरी को पत्र लिखकर किया है। शर्मा ने बताया कि उनके विधानसभा क्षेत्र केकड़ी की महत्वपूर्ण सड़क नसीराबाद NH48 से देवली NH52 तक की सड़क दो राष्ट्रीय उच्च मार्गों को जोड़ती है। इस सड़क की लंबाई लगभग 100 किलोमीटर है। इसे राष्ट्रीय उच्च मार्ग घोषित करने से अजमेर कोटा से सीधा जुड़ जाएगा जो आगे मध्य प्रदेश सीमा तक जुड़ता है। यह सड़क अंतरजिला एवं अंतरराज्य सड़क होने से लगभग 2 राज्यों के यातायात को सुगमता प्रदान करेगा एवं आमजन के समय में भी काफी बचत होगी।